हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है ना, बड़े दिनों बाद, यानी लगभग मान लीजिए मैं केदारनाथ यात्रा करके आया था, तो उसके बाद से मैं कुछ व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था और काम का इतना स्ट्रेस था कि बिल्कुल भी मोबाइल छूने का टाइम बिल्कुल नहीं हो पाया। कुछ रील्स थे जिनको मैं एडिट करके डाल रहा था अपने इंस्टाग्राम पर और कुछ हो नहीं पाया था। तो आज बड़े दिनों बाद अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं फिर से जा रहा हूँ पहाड़ों के लिए, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। तो आज का प्लान ऐसा है, मैं यहाँ से निकलूँगा अपने घर से और दिन में 1-2 बजे तक, क्योंकि अब मुझे शॉप जाना है, शॉप का काम निपटाना है, उसके बाद फिर निकलना है आज नैनीताल की तरफ। और नैनीताल की तरफ ना आज मैं सोचा था कि इतने दिन से स्ट्रेस वगैरह हो रखा था, दिमाग में काम का वर्कलोड था, तो सोचा था कि एक दिन का स्ट्रेस दूर करने के लिए चले जाऊँ अपने पहाड़ों की तरफ। तो आज मैं जाऊँगा नैनीताल की तरफ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और आज की वीडियो में ना बहुत सारा ड्रोन शॉट रहेगा, बहुत सारी मस्ती रहेगी। प्लान ऐसा है मेरा, एक्चुअली मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सोलो हल्द्वानी से। तो भैया मैं आ गया अपने शॉप पे, और शॉप पे पहुँचते ना मेरे एक और अचीवमेंट पास चले। एक्चुअली मैंने जब ये केदारनाथ यात्रा करी थी ना, केदारनाथ यात्रा करने के बाद मेरी 1-2 वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें से एक वीडियो मेरी 21 मिलियन पार हो गई थी इंस्टाग्राम पे। तो अभी आज जब मैं शॉप पर सोचा ना, तो मेरी ये जो इंस्टाग्राम थी उसमें मेरे 20,000 फॉलोवर्स हो गए थे, यानी एक और अचीवमेंट पार करी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देखने का। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए और वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि और अचीवमेंट पार करनी है। तो भाई अभी ऐसा है, प्लान लगभग 1 बजने वाला है और अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकल जाऊँगा नैनीताल के लिए। तो भैया फाइनली अपना जाने का टाइम आ गया, पापा आ गए थे शॉप पे, तो अब यहाँ से निकलता हूँ मैं अपना नैनीताल के लिए। ये रही अपनी बाइक, अरे चाबी तो भूल गए, चाबी दे दो। चलो भाई चलते हैं। भैया अपनी बाइक में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, वाइजर का जो बोल्ट था ना वो गिर गया था। तो मैं आ गया था अपने एक बबलू भाई है, और बबलू भाई की दुकान पे जी के सर्विस के सी स्मेल के आसपास पड़ता है ये, और यहाँ पे अपनी बाइक चलाना। जो भी अगर आपको बाइक की काम कराना ना, तो हमारा बबलू भाई मैकेनिक बड़ा अच्छा मैकेनिक है, तो सारे काम ना मैं लगभग इसी से कराता हूँ। तो भैया बाइक में चेन टाइट हो गई है और लग गया है आपका वाइजर पे नट वगैरह, तब जाते हैं यहाँ से आगे आपका नैनीताल के तरफ। तो भैया मैं पहुँच गया हूँ आपका नैनीताल के पास, और नैनीताल के पास जो मेरा आज का स्टेशन है ना, वो था मतलब है ये वाला द पाइन व्यू रिजॉर्ट। तो आज है ना मेरा स्टे यहीं है, और ये एक कॉन्सर्ट है पाइन होटल की तरफ से। तो आज का जो स्टे है ना, वो है द पाइन व्यू रिजॉर्ट की तरफ से। तो चलते भाई नीचे उतरते हैं और दिखाते हैं आपको आज यहाँ का व्यू। और यहाँ का ना अभी अच्छा सा सनसेट हो रहा है, तो सनसेट में एक प्यारा सा ड्रोन शॉट तो बनता है, और ड्रोन शॉट के साथ ये लोकेशन को कुछ इस तरीके से देखिए, 1, 2, 3। तो भैया आ गए हम अपने रूम पे, और होप सो आपको ड्रोन शॉट अच्छा लगा होगा। तो आज का जो मेरा रूम है ना, ये है, ये एक कैंप है और कैंप साइट है। तो इस तरीके का मेरा बिस्तर है, आज का बेड ये है, और बाहर का अभी मैं आपको बाहर जाऊंगा, फिर दिखाता हूँ कि बाहर कैसा एम्बियंस है। तो ऐसा कुछ है यहाँ बाहर का नज़ारा। अभी होप सो 2-3 ही अभी यहाँ पर कैंप साइट लगे हुए हैं, और टोटल जो यहाँ पर 7 आपके टेंट वगैरह हैं, और यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे बगल पे किचन है। तो अभी थोड़ी देर में ना अंधेरा हो जाएगा, तो बोन फायर वगैरह और म्यूज़िक के साथ यहाँ शाम आपको दिखाएंगे यहाँ की कितनी रंगीन है। तो भैया मैं ना रुका हूँ याली प्रॉपर्टी पे, लेकिन जो इसके बगल वाली प्रॉपर्टी ना, वो भी अच्छी है, ठीक ठाक है, लेकिन ये वाली ज़्यादा अच्छी है। यहाँ आपको शांत माहौल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर MTV हो जाती और स्विमिंग पूल हो जाता तो एक तरफा होता, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इतने में संतुष्ट हैं। और अभी यहाँ देखो थोड़ी देर में और कोई गेस्ट वगैरह आते, तो साथ में मिलके
बातें शादे करेंगे ताकि एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से पता करें, क्योंकि देखो आप कभी किसी से मिलते हो तो तब आप जानते हो कि अगला बंदा क्या सोचता है, अगला बंदी थिंकिंग क्या है, उससे हमको भी नॉलेज मिलती है, तो वो बहुत ज़रूरी है नहीं है। तो अभी देखते हैं कोई लोग आएंगे तो साथ में बैठ के बातें शादे करेंगे, और बगल में भी एक रिजॉर्ट है तो उन वालों को बोलेंगे कि आप लोग आ जाओ साथ में बैठते हैं और बातें शादे करते हैं। तो भैया अपना खाना वगैरह आ गया, और अभी ना मैं थोड़ी देर पहले नैनीताल घूम के आ गया हूँ, और नैनीताल घूमने के बाद फिर यहाँ अपना आज का खाना आ गया है। सामने चल रहा है लाइव आईपीएल, तो भैया ऐसे ना लाइव इंजॉयमेंट भी यहाँ आप कर सकते हो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो। यहाँ आप म्यूज़िक वगैरह बजाओ और पार्टी वगैरह करना चाहते हो पार्टी करो। अभी फ़िलहाल ना अभी प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ बहुत कुछ अभी होना बाकी है, तो धीरे धीरे आपको यहाँ बहुत कुछ देखने मिल जाएगा। एडवेंचर के लिए बहुत कुछ होने वाला है, तो विजिट जरूर करिए इस लोकेशन को, और ऐसे इंजॉयमेंट तो भाई चाहिए होता है ना, लाइव परफॉर्मेंस, लाइव चीज़ देखना। गुड मॉर्निंग, कल रात ऐसी नींद आई इतनी ख़तरनाक आई, खाना खाने सो गया था, तो अभी मैं बस उठ ही रहा हूँ, मतलब आज मेरे नेक्स्ट डे वीडियो का, और लगभग 10-12 घंटे आराम से नींद निकाली है और अभी उठ रहा हूँ। तो भैया जो काम करना था ना वो काम तो अभी हुआ नहीं है, उसी पर लगा हुआ हूँ, उठ लगा क्या हूँ मतलब वो काम हुआ नहीं है, वो काम के लिए मुझे उठना पड़ेगा, और फिर उसके लिए फिर यहाँ शूट वगैरह करनी है मुझे प्रॉपर्टी की, तो शूट वगैरह करता हूँ, फिर यहाँ से जल्दी जल्दी मुझे हल्द्वानी के लिए निकलना भी है। शूट वगैरह कर दिया, ड्रोन शॉट की कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स ले लिए, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए जो कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो जाके फॉलो कर लीजिए नोमैडिक तुषार को जाके इंस्टाग्राम के अंदर। और फिलहाल प्लान ऐसा है यहाँ अभी करता हूँ मैं ब्रेकफास्ट वगैरह, और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं आपका आगे किसी और लोकेशन की तरफ। और ये जो एरिया था ना देखो कितना प्यारा लग रहा है, अभी अभी सुबह सुबह का टाइम है और इतना अच्छा माहौल है यहाँ, शांति से आराम से आप बैठ जाओ, आराम से अपना टाइम बिता लो। और इस लोकेशन की खास बात ये है ना, ये आपके नैनीताल से बहुत पास है, अगर आपको नैनीताल के आसपास ट्रैवल करना है तो ये लोकेशन बेस्ट है, अगर आपको पीस चाहिए और साथ में बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन नैनीताल के आसपास घूमने, तो उसके लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। तो भैया अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, और अभी मैंने सिर्फ पराठे मंगाए थे, पराठे और चाय, देखो चाय मैंने कही नहीं थी, अगर देते तो सही है, वरना चाय के बिना ही पराठे खाते हैं, और दही आ रही है, दही और पराठे खाने के बाद फिर यहाँ से मेरा प्लान है कि कैची मंदिर निकलने का, तो यहाँ का थोड़ा सा सूट बाकी है, मतलब एक दो फोटोज़ और लेनी है, उस तरफ फिर यहाँ से मैं निकलूँगा कैची मंदिर के लिए। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और उस तरफ ही चलते हैं आपका आगे कैची मंदिर की तरफ। तो भैया अपनी जाने की तैयारी हो गई है, और अब यहाँ से बाइक अपनी कॉल स्टार्ट करनी है, और फिर चलते हैं यहाँ से आपका भवाली की तरह, भवाली के लिए। वैसे कॉल स्टार की जरूरत तो नहीं थी क्योंकि इतने धूप में गाड़ी खड़ी है, तो कॉल स्टार तो जब जरूरत पड़ती है जब आप कोई ठंडे इलाके में रहते हो तब, लेकिन जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना तो थोड़े देख ले, एक दो मिनट के लिए अपने गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देना चाहिए, उससे क्या होता है ना जो गाड़ी का इंजन ऑयल होता है वो अंदर पूरा घूम जाता है बढ़िया करके, तो इसलिए मैंने थोड़ी गाड़ी स्टार्ट करी। तो भैया अब निकल गए यहाँ से, अभी मुझे ये रास्ते से ना बाइक निकालना है और यहाँ से चढ़ा के फिर ऊपर को निकाल के फिर आगे जाना है, तो ये पूरा मतलब ऑफ रोड वाला रास्ता है। तो चलो भैया अब सीधे मिलते हैं आपको कैची धाम पे। भैया मैं ना अभी अपने घर की तरफ जा रहा था, जैसे रेस्टोरेंट से निकला थोड़ा सा आगे पहुंच के मतलब हल्द्वानी वाले रोड में निकला ना, तो ये देखो इतना बड़ा ट्रक ना उल्टा पलट गया, मतलब आधे में खड़ा हो गया, पता नहीं इसके पीछे का लोड पड़ा हुआ है, देखो बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से, वो भी एकदम मोड़ पे खड़ा है, और कोई गाड़ी अगर तेज़ आएगी ना तो ठोक देगी इसको और एक्सीडेंट हो सकता है, कितना खतरनाक लग रहा है।
तो ये अंकल जी भी वीडियो बनाने लग गए। देखो ये देखो कितने खतरनाक तरीके से खड़ी है, पूरा लोहा लोहा भरा पड़ा यार इस पे। तो फाइनली मैं पहुंच गया अपने शॉप पे, और बीच में आपने देखा ना कैसा एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी इतने भयंकर तरीके से वो ऊपर खड़ी हो गई थी। तो ऐसा कुछ रहा आज का दिन, और दो दिन का पूरा व्लॉग बनाया था मैंने, रात में कैंप भी करी, फिर सुबह यहाँ हल्द्वानी वापस आ गया। प्लान था मेरा जाने का, तुझे पता नहीं है, तुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना था? मुझे जाना था तो कैची धाम मैंने जाना था, लेकिन कैची धाम मैं पहुँच नहीं पाया क्योंकि मुझे जल्दी से हल्द्वानी भी आना था, इसलिए मैं वापस आ गया। और आपको अगर मेरा ब्लॉग यहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके रहेगा। मिलते हैं कल या कभी भी, पता नहीं कब, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।